आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल बहुत ही सस्ती 100 रुपीज में बनने वाली पीनट कटली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, छोटी छोटी बात और टिप्स का ख्याल रखना है इसमें। और इसका टेस्ट ना बिल्कुल काजू कतली की तरह होगा, फर्क इतना ही है कि वो काजू से बनते हैं, इसे मैं पीनट से बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने बादाम की कौन 250 ग्राम रखी है, तो यहाँ पे मैंने 2 कप बादाम ले लिया है। और इसे ना हम इसमें थोड़े थोड़े अच्छे बादाम नहीं होते हैं तो उसे ना हम छांट लेंगे। और इसे ना मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो अब ना इसे हम एकदम लो फ्लेम पे हल्के हाथों से भून लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को एकदम लो रखना है, जितना लो फ्लेम पे ये सीखेगा ना उतना ही अच्छा ये भून के तैयार होगा। तो यहाँ पे ना हमारा बादाम लगभग भुन चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, छिलका इजीली निकल रहा है। इस स्टेज पे अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और बादाम को ना एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे ना थोड़ी देर के लिए हम ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ना बादाम हमारा ठंडा हो चुका है, तो अभी ना हम इसके छिलके को निकाल लेंगे मसल मसल के। आप चाहे ना तो एक टॉवल में रख के भी इसके छिलके आराम से निकाल सकते हैं मसलते हुए, उससे भी इजीली निकल जाएगा। मैं यहाँ हाथों से ही मसल मसल के इसके छिलके को निकाल लूंगी। सारे बादाम को पहले हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बातों बातों में सारे छिलके निकाल लिए हैं, छिलके को मैंने अलग कर दिया है और बादाम को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक जार में सारे बादाम को नहीं ट्रांसफर करेंगे, आधे आधे पीसेंगे हम। तो यहाँ पर ना आप चाहे तो ऐसे ड्राई पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन ना मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी, जैसे काजू कतली के लिए पेस्ट बनाते हैं ना हम वैसे। तो यहाँ पर ना मैंने पेस्ट बना लिया है एकदम स्मूथ सा, और इसका आप टेक्सचर दे सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसी तरीके से हमें पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर ना जिस कप से मैंने बादाम लिया था 2 कप, उस कप से मैंने 1 कप यहाँ चीनी लिया है और आधा कप पानी लिया है। इसे ना हम घुलने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे चीनी हमारा पिघलना शुरू हो चुका है, यहाँ पे चीनी हमारा पिघल चुका है। तो अब ना मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ी सी आधी टेबल स्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चाशनी में ना एक हल्की सी तार बन रही है, तो हमें यही चाहिए। अब यहाँ पे ना हम सारे पेस्ट को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चाशनी के अंदर और ना इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। चाहे तो आप करछी से ही कर लीजिए, नहीं तो आप विस्क की हेल्प से कर लीजिए। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे से ये विस्क हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं दिख रहे हैं। तो अभी यहीं पे मैंने आधा कप ना मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, इसे भी हम अच्छे से एक बार विस्क करते हुए पका लेंगे। करछी को चलाते रहना है तो इसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी, कोई लम्स नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ना मैंने चलाते हुए अच्छे से इसे पका लिया है। और यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून घी ऐड किया है, देसी घी। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ना लगातार हमें चलाना है, नहीं तो मिक्सर हमारा जल जाएगा। चलाते हुए हम साइड्स को भी अलग से इसे छुड़ाते चलेंगे, नहीं तो चिपकने लगेगी ये। तो अभी देखिए ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है, इसका आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे ना हमें अभी थोड़ी देर और पकाना है। तो यहाँ पे ना अभी ये रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ना 1-2 मिनट हम ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्लेम ऑफ करके, वरना ये चिपकने लगेगी। और इसकी टेक्सचर आप देख पा रहे होगे कि कितना डो, इसका टेक्सचर ना अभी डो में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हम एक शीट पे निकाल लेते हैं, ये प्लास्टिक की मैंने शीट रखी है, आप कोई भी शीट ले सकते हो, बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर। इससे ना बहुत ही अच्छे से ये नीट हो जाता है
हाथ भी नहीं जलेगी हमारी। और ना इसे गरम गरम में ही नीट करना है ताकि इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ रहे। तो अभी हम इसे अच्छे से नीट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें ना तो थोड़े से जो शीट यूज़ कर रहे हैं उस पे ना थोड़े से ऑयल ब्रश कर लीजिए, घी ग्रीस कर लीजिए, उसके बाद कीजिए तो चिपकेगा नहीं हमारा डो। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से नीट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये कितना अच्छा से ये डो सेट हो चुका है। तो अभी इसे हम रोल कर लेते हैं, जैसे काजू कतली के लिए हम रोल करते हैं। और इजीली मैं हाथों से उठा भी पा रही हूँ, कहीं से कोई क्रैक नहीं आ रहा है, टूट नहीं रहा है। तो आप ना इससे इसका टेक्सचर का पता लगा सकते हो कि ये कितना अच्छा डो सेट हो चुका है। अभी ना इसे हम रोल कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत ही पतला इसे रोल बेल लीजिए, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। और इसे ना अभी हम साइड्स को अलग कर देते हैं। इसका हमें स्क्वायर पीस चाहिए, तो अभी ना हम साइड्स को अलग कर लेते हैं। और मैं साइड्स को अलग कर रही हूँ तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। पीनट की कतली ना यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जैसे हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं ना, उसी समय ना हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। वो भी थोड़े थोड़े समय के लिए हमें चलाना है, पल्स मोड पे मूंगफली को ग्राइंड करना है। या फिर आप बहुत ही इजीली टिप्स अगर अपनाए तो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से, आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ना, तो इसे ना आप पूरा फाइन पेस्ट बना के ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप प्रो है ना मिठाई बनाने में, तभी आप वो पाउडर वाला यूज कीजिएगा ट्रिक। वैसे क्या होती है ना, पाउडर जब हम करने जाते हैं तो मूंगफली का कई बार ऑयल रिलीज होने लगता है, तो संभालने ही नहीं आता है। तो इस ट्रिक से आप बनाइएगा तो कभी भी आपको कतली बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ना मैंने कतली को स्क्वायर शेप दे दिया है और इसे ना हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिल्वर का वर्क भी लगाया है, अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिए। इससे मिठाई ना में ना 4 चम लग जाती है, बहुत ही अच्छी देखने में लगती है ये। और नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ना अभी हम सारी कतली की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। आप मेरे काटने से इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिले।